फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्डविल चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम लोग रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं बैंक प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आज थर्ड शिफ्ट था IPS क्लर्क प्री एग्ज़ाम का, और अभी कुछ देर पहले लास्ट स्लॉट यानी कि स्लॉट 4 एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो आइए फोर्थ स्लॉट को एनालाइज करते हैं और वीडियो के लास्ट में डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसे कि सारे स्लॉट्स में और मोस्टली सारे IBS के एग्जाम्स में यही हो रहा है, सारे स्लॉट्स सेम आ रहे हैं, पैटर्न भी सेम है, लेवल भी सेम है। तो इसी तरह इसी स्लॉट 3 एग्जाम का भी पैटर्न आज मॉर्निंग में दोनों शिफ्ट से बिल्कुल सेम था, लेवल भी एग्जैक्टली सेम था। और लास्ट वीक जो हमारे शिफ्ट्स थी यानी कि लगभग 8 स्लॉट्स थे, उनका भी लेवल ऑलमोस्ट सेम था। तो गाइज, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, वो बोल रहे हैं हम लोगों का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था। तो डेफिनेटली पॉइंट है, उन लोगों को प्रैक्टिस नहीं थी इस पैटर्न की, उन्होंने फर्स्ट टाइम गए एग्जाम में और फेस करा ये पैटर्न। हालांकि एग्जाम इजी था, बट डेफिनेटली फर्क तो है, बट एक्चुअली नहीं, क्योंकि IBS यार इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम ले रहा है तो स्मार्ट तो IBS भी है। इनफैक्ट लास्ट अभी IBS PO प्री में हुआ था, एक स्टूडेंट था, उसने अटेम्प्ट करे थे अराउंड 62 क्वेश्चंस और उसके मार्क्स थे 65। तो अटेम्प्ट से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और उसका वही फर्स्ट डे था। तो IBS स्मार्ट है, वो इसी अकॉर्डिंग एनालाइज करता है अपने एग्जाम्स को, अपने शिफ्ट्स को, और उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को मार्क्स देता है। तो फ्रेंड्स, टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप अपना 100% जो एग्जाम है, चाहे एग्जाम ईजी आ रहा है, सेम आ रहा है पैटर्न, उसको आप इग्नोर करो और अपना फुल एफर्ट्स जो एग्जाम में, और बस दैट्स इट। और यार, IBS बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली इट्स हैविंग अ कंटेंजेंसी प्लान्स टू कैलकुलेट द कट ऑफ। सो ट्रस्ट यार, एग्जाम दे रहे हो आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये वीडियो। नाउ हियर यू कैन सी द ओवरऑल एनालिसिस स्लॉट में। अब ये इंग्लिश में अगर आपने 17-20 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है। और लेवल इंग्लिश का इजी था, रीजनिंग का भी इजी था। रीजनिंग में 20-24 या 25-26 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट। और क्वांट में फ्रेंड्स 17-21 के अराउंड क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें हैं तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है। क्वांट का लेवल वही पहले की तरह इजी से मॉडरेट था, मॉडरेट वो थोड़ा मिसलेनियस सेक्शन की वजह से, बाकी क्वांट भी बहुत ईजी आ रही है। ओवरऑल देख लेते हैं 65-70 के अराउंड अटेम्प्ट, अच्छा अटेम्प्ट है। इनफैक्ट कई लोग तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, 80-85। सो बट एस्टिमेट एक है वो अटेम्प्ट अच्छा, 65-70 तक अटेम्प्ट इज अ गुड अटेम्प्ट, और ओवरऑल एग्जाम का लेवल इजी रहा। आइए क्वांट में देखते हैं कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। सीरीज से 5 क्वेश्चन थे जिसका लेवल बहुत ही ईजी था। 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे, वो भी बहुत ईजी थे। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन उसमें ओरली सॉल्व हो सकते थे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे। एक DI आई थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे और 5 बहुत ईजी क्वेश्चन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रेशियो और एवरेज जैसे क्वेश्चन था DI में 5। 10 क्वेश्चन मिसलेनियस से थे जिसमें टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, बोट एंड स्ट्रीम और एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, और इनका लेवल इजी से मॉडरेट था। ओवरऑल क्वांट वाज इजी से मॉडरेट। इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश बहुत इजी थी जिसमें 3 क्वेश्चन थे सिर्फ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में 10-10-10 क्वेश्चन थे तीनों में ही, एरर्स में भी। और RC और क्लोज टेस्ट स्टोरी बेस्ड थे, बहुत इजी थे। RC तो अगर आपने एक बारी पूरा पैसेज पढ़ा है तो उसी के बाद आप 10 के 10 क्वेश्चन आप इजीली ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इजी थे। तो लेवल इसका इजी था। क्लोज टेस्ट भी बहुत इजी था, 1-2 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था। एरर्स भी इजी थे, इजी से मॉडरेट, इजीली 1 can attempt 22-23 क्वेश्चन इन इंग्लिश अगर उसने अच्छे से अटेम्प्ट करा है अगर ये सेक्शन। सो जंबल सेंटेंस नहीं थे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं थे, नो फिलर्स। आइए रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग बहुत ही इजी थी, इनइक्वालिटीज एकदम डायरेक्ट थी, 5 क्वेश्चन थे इनइक्वालिटीज के जो बहुत इजी थे।
तीन अरेंजमेंट्स आई थी, वही सर्कुलर अरेंजमेंट और दूसरी लीनियर अरेंजमेंट और तीसरी पैरेलल सेटिंग। तीनों में पांच 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 क्वेश्चन थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल डायरेक्ट। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़कर उसको सॉल्व करो तो आपकी फिगर एकदम इजीली बन जाएगी और आंसर्स भी इजीली हो जाएंगे। मिसलेनियस में पांच क्वेश्चन थे जो इजी थे, पांच अल्फाबेट कोडिंग के थे जिसमें वर्ड कोडिंग होती है, इजी से मॉडरेट लेवल था इसका। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी जिसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक और सिंबल्स होते हैं, वो पांच क्वेश्चन थे और वो इजी थे। ओवरऑल रीजनिंग वाज वेरी इजी। अगेन इस स्लॉट में भी सिलॉजिज्म नहीं थे। नाउ अब देखते हैं कट ऑफ। गाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम इस अकॉर्डिंग निकालते हैं जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं जो लोग स्टूडेंट्स करके आते हैं एग्जाम में, उनके रिव्यूज के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहती है। देखते हैं क्वांट में सेक्शन कट ऑफ 12 से 14 के राउंड रहेगी, रीजनिंग में 13 से 16 के राउंड और इंग्लिश में 9 से 13 मार्क्स के राउंड। ओवरऑल कट ऑफ जाएगी 57 से 63 मे बी 65। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ नेक्स्ट स्लॉट। एंड एक वीडियो है जिसका लिंक आपको इसके लास्ट में मिलेगा, स्ट्रेटेजी हाउ टू अपीयर इन पेपर एंड हाउ टू अटेम्प्ट द सेक्शंस, उसको जरूर देखिएगा। नीचे कमेंट में भी लिंक है उसका और इस वीडियो के बाद में भी लास्ट स्क्रीन में आपको मिलेगा। और गाइज एक रिक्वेस्ट और है आपसे, प्लीज ये जो नीचे रेड बटन है इसको प्रेस कीजिए सब्सक्राइब का, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ज्यादा सब्सक्राइबर्स से मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियोज बनाने का और क्वालिटी वीडियोज बनाने का। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड साइन आउट।